आज मैं एक ऐसे चैनल की बात करने वाला हूँ जो अपने रिएक्शंस के कारण बहुत जाना जाता है, जिसका नाम है क्रॉस कल्चर। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा तो रिएक्शन देखने वाले कुछ लोग रिएक्शन देखना ही छोड़ देंगे। वैसे हमारे देश में गधों की कमी तो है नहीं, गधे थे, गधे हैं और गधे आते भी रहेंगे। जिन लोगों के पास नॉलेज, स्किल, टैलेंट, इनकी भारी मात्रा में कमी होती है या तो होता ही नहीं है, तो वो ओपन करते हैं रिएक्शन चैनल। एक मिनट, ये ऐसी ही चीज़ किसी और के लिए यूज़ नहीं की गई थी? नॉलेज की कमी, टैलेंट की कमी, स्किल की कमी, वो और कौन होते हैं? ओह, टिकटॉकर। अगर आपने एक रिएक्शन चैनल ओपन किया है और आपको अपना रिएक्शन चैनल बहुत जल्दी ग्रो कराना है, तो आपको बनना पड़ेगा एक लड़की। और अगर एक फॉरेनर रिएक्शन दे रहा है इंडियन मूवी के ट्रेलर पर, तो चैनल के ग्रो होने के चांस आसमान पर पहुंच जाते हैं। अगर एक कदम इससे आगे बढ़े और रिएक्शन देने वाला एक लड़की है और वो भी फॉरेनर, तो बस भारत की जनता को आप ही का तो इंतजार था। मुझे अभी भारत के रिएक्शन देने वाले चैनल्स की बात तो करनी है नहीं, हम तो सीधा लेजेंड की बात करेंगे। ये मोहतरमा है रबेका ही होगी। तो इस मोहतरमा के चैनल पर भारतीय लोंडे कुछ देखने की उम्मीद में वहां जाते हैं, लेकिन उनको वो चीज मिलते नहीं है, तो उनका कैसे काटा जा रहा है। देखो, काटा जाने से पहले कुछ और मुझे लगाना था, लेकिन क्या करूं, शक्तिमान ने मुझे मना किया गाली देने से। 2.5 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है इस चैनल के, और तुम्हें क्या लगता है इस चैनल पे कितने लोंडे होंगे? क्या जवाब तो तुम्हारे पास है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2.5 लाख से भी ज्यादा IQ-less घूम रहे हैं इस देश में। ये मोहतरमा ऐसी इंडियन मूवीज के ट्रेलर के ऊपर रिव्यू देती है, रिव्यू नहीं रिएक्शन देती है, जो आज से 3 से 4 साल पहले आई थी। कभी मूवी के ट्रेलर के ऊपर रिएक्शन, कभी उसके अंदर कोई सीन है उसके ऊपर रिएक्शन। अब इनके समझ में झाड़ बराबर नहीं आते, रिएक्शन किस बात का देते हैं ये लोग। और बहुत ही जल्द ये एक रिएक्शन देंगे जिसमें इंडियन जो है वो हग रहा होगा, और वही हगता हुआ इंडियन अपने हगते हुए पर रिएक्शन देखने पहुंच जाएगा इसके चैनल पर। एक तो ये मोहतरमा महान है जो टट्टी बेचने पर लगी हुई है, उससे भी महान वो लोग हैं जो ये टट्टी खरीद कर खा रहे हैं। अब भड़क मत जाना, सच हजम करने की हिम्मत रखो। कहीं बोलो ओ, तुम ये तो हमारा फेवरेट चैनल है, तुझे क्या पता कितनी महान रिएक्शन देती है इस चैनल पे ये। अबे घंटा मेरा रुको, तुम दिखाता हूँ मैं ये कैसे रिएक्शन देती है। अभी इसकी एक वीडियो प्ले करूंगा बिना साउंड के, वो इसलिए क्योंकि भैया रिएक्शन, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन पे ध्यान देना है। साउंड होगा तो तुम्हारा माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। और जो मूवी जिसके ऊपर, जिस मूवी के ट्रेलर पर रिएक्शन दे रही है, वो मैंने उसको छुपा दिया है। उस मूवी का नाम है कबीर सिंह। अबे छुपाया क्यों, सारा रीजन बाद में क्लियर कर दूंगा, अभी फिलहाल तुम रिएक्शन देखो इसका। क्यों, कैसा लगा? अच्छा लगा कुछ मिनट बर्बाद करके अपने? रुको जरा, सबर करो, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब इसे हिंदी नहीं आती, मुझे ये समझ नहीं आता ये रिएक्शन क्यों दे रही है यार। अबे उसे पता है भारत की ज्यादातर जनता है जो है वो गधी है, और इसका प्रमाण है भी इसके पास। एक तो भारतीय युवा बेरोजगार, और बेरोजगार इसलिए क्योंकि उसे आता कुछ है नहीं, और ऊपर से अंबानी जी महान है, उन्होंने नेट जो है इतना सस्ता करके दे दिया। अब ये गधे उस नेट का कहीं ना कहीं तो यूज करेंगे ना। अरे जिसे ये नहीं पता ऋतिक रोशन सिंगर है या एक्टर है, बस इसने लिपसिंग देखी और इसे लगा कि वो सिंगिंग कर रहा है। He can act, he can dance, what can't this man do, you know? I mean, he can sing, he can act, he can dance, what can, and he can, you know, do action, what's the word? कमाल है यार, तुम रिएक्शन देख रहे हो यार उसका। ये कीवर्ड फॉरनर रिएक्शन, ये जरा सर्च करना यूट्यूब पर, लाखों वीडियो आ जाएंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ फॉरनर इंडियन मूवीज के ट्रेलर पर रिएक्शन देते हुए मिल जाएंगे, या कैरी मिनाटी की कोई वीडियो पर, आशीष चंचलानी की, बीबी की वाइंस के ऊपर, इनके ऊपर वो रिएक्शन देते हुए मिल जाएंगे, जिनको ये समझ भी नहीं आती होंगी हिंदी का, उनको कुछ भी नहीं पता, फिर भी ये रिएक्शन देने में लगे हुए हैं। इसके पीछे अगर आप माइंडसेट देखो, तो एक तरीके से आप वही वीडियो दोबारा से देख लेते हो और आपको लगता है वाह वाह क्या रिएक्शन दिया, और इनके सब्सक्राइबर, इनके व्यूज बढ़ते चले जाते हैं, अपने इंस्टाग्राम पे इंगेजमेंट बढ़ाते रहते हैं। हाँ हाँ, तुम यही बोलोगे अबे तेरे तो इतने सब्सक्राइबर है नहीं, तेरे तो व्यू आते हैं नहीं, अभी तो तू जल रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत,
अरे हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो अपने देशी चैनल को आगे लेके आओ ना यार, उसमें इंगेजमेंट बढ़ाओ। ये इंगेजमेंट इंगेजमेंट क्यों बोल रहा हूँ बार बार, ये शब्द कहीं सुना सुना लगता है मुझे। इंस्टाग्राम पे देखोगे तो हम लोग का एंगेजमेंट तुम लोग से अच्छा है, अगर बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स की बात करोगे तो हम लोग का एंगेजमेंट तुम लोग से अच्छा है। तो अंत में यही बोलूंगा, देखो यार इन फॉरनर्स का तुम लोगों को बेवकूफ बनाने का काम चलता ही रहेगा। कभी ये हगने मुतने के ऊपर तुम्हें रिएक्शन देते हुए मिल जाएंगे, कभी किसी वाहियात वीडियो के ऊपर रिएक्शन देते मिल जाएंगे। इनकी एक वीडियो के नीचे इंडिया जरूर लिखा होगा टाइटल में, या फिर एक अपने थंबनेल पे छोटा सा एक तिरंगा लगाकर ये रखेंगे, ताकि भारत की जो वो जनता है वो इंडिया के प्रति, अपने देश के प्रति कितनी राष्ट्रवादी है उसका वो यूज कर सकें। अबे राष्ट्र प्रेमी बनो, बेवकूफ मत बनो। तुम्हारे राष्ट्र के नाम पर तुम्हें कोई बेवकूफ बनाकर व्यूज, सब्सक्राइबर, इंस्टाग्राम पे इंगेजमेंट बढ़ाया जा रहा है। अबे आत्मनिर्भर भारत बनाना है नहीं बनाना, तो इंगेजमेंट देसी चैनल पे दिखाओ ना यार। बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताना कमेंट करके, कुछ एक नया ट्राई करने की कोशिश की है। हाँ जानता हूँ इतना अच्छा से नहीं कर पाया, लेकिन एटलीस्ट ट्राई तो किया, बेवकूफ तो नहीं बनाया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।